लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपेरेंटली ये लड़का दिखने में अच्छा था, मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप्स, और मतलब बढ़िया पॉलिश्ड लड़का था ये, मतलब जो वहां एंकर बनने आया था। तो वो बता रहा था कि मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर किया हुआ मैंने आलिया के साथ। मैं बोला ठीक है, होगा भाई कहीं पे खड़ा रहता होगा पीछे। तो अपेरेंटली उसके जो फ्रेंड्स दिखाए उनमें से कोई एक ये था। क्या बोलते हो आप लोग, मीट चौक बोलते हो, मीठी चौकी बोलते हो? मीट चौकी, मीट चौकी है ना। तो उसमें आपको पता है ऑर्लेम से अपन सीधे अगर उसमें जाओ तो कांदीवली और वो मलवनी वगैरह वाला रोड जो है उस तरफ से जाते अपन सीधे ऑर्लेम की तरफ से, चर्च की तरफ से जब आ रहे हो। तो मैं वहां से वॉक कर रहा था मलवनी वाले साइड की तरफ, सिग्नल बंद हुआ, पूरी रोड खाली हुई और अच्छी खासी चौड़ी सड़क मेरे को सामने दिख रही। और फॉर्चुनेटली 1-1.5 बजे का समय होगा दिन का, अकेला मैं इस तरफ से उधर जा रहा था, बाकी तो आप जानते हो कितना रश रहता है वहां पे। मैं अपना वही दुख भरा बैग लिए और सोचते हुए कि भाई किसको फोन करूं जो काम देगा, किसको फोन करूं जो काम देगा, ये सोचता हुआ मैं चला जा रहा हूँ। मैंने आधा क्रॉस किया होगा और उधर से अब मैं कैसे ये बोलूं कि बगैर सेक्सिस साउंड किए, तो एक सीमेंटेड वो प्लेटफॉर्म जैसा होता है उससे एक बंदी नीचे उतरी और मेरी नजर सीधे ना उसके शूज पे गई। और फिर उसके ऊपर जब मैं देखा तो फाइनेस्ट लेग्स जिन पे आपकी तुरंत नजर जाती है कि वाओ ये क्या है। प्लीज मैं यार सेक्सिस साउंड नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन होता है आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है कि एकदम से कुछ अलग ही जब दिखता है ना तो यू सी एंड यू ऑब्जर्व ये क्या है। और जैसे ही मैं ऊपर आंखें किया मैंने तो मैं देखा एक अच्छा शॉट ऊपर टी शर्ट, और मैं थोड़ा सा और ऊपर किया आगे जाओ तो आई सॉ दिस फेस जो चश्मे में आधा लगभग कवर था। एंड दिस फेस वॉज यानी मतलब जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा है उसी समय उसने अपने नीचे किए मुझे देख के, एंड शी वाज स्माइलिंग कि उसने जैसे मुझे देख लिया हो कि मैं क्या देख रहा था। और हम लोग ऐसे आजू बाजू से निकले बिल्कुल। जैसे ही मैं उससे आगे बढ़ा हूं ना तो दो मोटी साइज की लड़कियां उसके पीछे भागी एकदम से। ओके। और फिर मुझे लगा कि यार ये एक मिनट ये जितनी देर में पलट के ऐसे देखा पूरा ट्रैफिक वहां से आपके वो में हाईवे वाला ट्रैफिक रब से ऐसा पूरा मतलब। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद वो आलिया भट्ट थी दादा। आलिया भट्ट मालवणी में मिट चौकी में? मिट चौकी पे। वाह हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो ये स्टोरी जब मैंने वहां पे बताई ना उन लोगों को, और वो जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला जो बंदा था उसने तुरंत बोला नहीं नहीं तू सही बोल रहा है वो रहेगी वो आलिया रहेगी बोले वो आलिया ही थी वो आलिया रहेगी ऐसा आलिया ऐसा करके बोला ना बेचारा उन्होंने क्योंकि आप लोग का मुंबई का लैंग्वेज उसमें हिंदी उसका इतना अच्छा नहीं था मतलब। बोले नहीं नहीं वो आलिया ही रहेगी वो जाती है वो घूमती है वहां पे। नहीं मलाड में 2-3 स्टूडियोज हैं जो जिस तरफ तो बोल रहा है ना उस तरफ स्टूडियोज है फिल्म स्टूडियोज जहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है। सो एंड वहाँ पे मलाड में मॉल्स वगैरह भी हैं, सोनी टीवी का ऑफिस है मलाड में। वो वहाँ पे हाँ वो जो मॉल है ना इन्फिनिटी बोलते हो ना उसको, इन्फिनिटी। तो वहाँ पे इट्स नॉट सरप्राइज की आप स्टार्स को मिल लो, टीवी स्टार्स तो घूमते रहते हैं वहाँ पे। क्योंकि वो तो दो लड़की ना पीछे भागी ना वो बहुत अजीब था, वो टिपिकल पीआर गर्ल जैसा जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना जो गोइंग अरे कहाँ जा रही है वो कहाँ जा रही है ऐसा वाला मतलब बहुत सही हुआ था। हाय दिस इज अलोक, मेरा नाम है नितिन, और अगर आप पूरा एपिसोड सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करो। और नितिन ने जो कहा आप लोगों ने नहीं किया तो लिंक आपको जरूर देख लेगी। This is Newstainment Television.